साल के बाद, लेकिन अभी फिलहाल रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस गेन कर रही है राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे। ये एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे और वोटिंग का ट्रेंड जो यहां पर देखा गया पिछले बार से ज्यादा वोटिंग यहां पर नजर आई। हालांकि पूरे परिवार ने, दिग्विजय सिंह का पूरा परिवार लगातार कैंपेनिंग में लगा रहा और दिग्विजय सिंह ने भी डटकर ये फाइट लड़ी है राजगढ़ से। ये आलम यह हो गया कि नागर साहब, मेरा ख्याल रुटबल नागर, वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं आप मेरे को देखो मत, मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। ये स्थितियां और इस राजगढ़ से बड़ा अपडेट आपको भी बता दें, दिग्विजय सिंह इस वक्त पीछे चल रहे हैं। लेकिन सियासत के जानकार मान रहे थे कि जिस तरह से खामोशी से दिग्विजय सिंह ने प्रचार किया, बिना कोई बयान दिए या सुर्खियों में आए, चुपचाप प्रचार करते रहे, वो जीत सकते हैं ये कहा जा रहा था। लेकिन फिलहाल रुझानों में दिग्विजय सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। कल ईवीएम को लेकर भी बयान दिया था, कहा था 295 कांग्रेस का आंकड़ा सही है, लेकिन 300 पार अगर एनडीए गया तो यानी कि जनता ने नहीं ईवीएम का वोट मिला है। बिल्कुल, और कैंपेनिंग आपने जिस तरह से जिक्र किया ना, पढ़ना बहुत बेहतरीन उन्होंने की, वो बाकायदा लिख के रखा था उन्होंने। मेरा ख्याल है उन्होंने बताया भी कि अमित शाह आए थे और वो शेर भी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, उन्होंने ये तक गिनकर रखा हुआ था कि अमित शाह ने कितनी बार दिग्विजय सिंह का नाम लिया है, ये उन्होंने काउंटर भी किया। तो बहुत अच्छी कैंपेनिंग यहां पर रही। राजगढ़ में क्या स्थितियां होती हैं ये आगे हम देखेंगे। पांडे सर, मैं आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन इस वक्त हम लेना चाहेंगे भूपेन गुप्ता साहब से। भूपेन गुप्ता साहब, राजगढ़ सीट आपको भी उम्मीद रही होगी।